वो व्हीली ये देखो भाई, एक भाई फिर लोग चेक करो वारन भाई को, देखो क्या क्या काम करा रखा है। पूरी गाड़ी फुल्ली लोडेड है यार हाईवे पे, इतना आगे आने पर पूरा सब चौक मिला है भाई। ये क्या हो गया ब्रो, ऐसा तो बंद नहीं होना चाहिए था भाई। ये लॉन्डे का अलग ही क्रेज है पूरे ग्रुप में, देखो जरा इसकी राइडिंग पोस्टर देखो। हेलो, हजम करने लायक नहीं रहता, हजम कुछ हो माई। कॉफ़ी भी तो थी, कॉफ़ी सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ राइडर जोन 750। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। एज यूजुअल संडे। भाई आज कुछ नई जगह जाने वाले हैं, ऐसे बोल सकते हो पराठा राइड। रिएक्शन बटोलती हुई समैक्सी, अब बहुत जल्दी एक Insta360 लेना पड़ेगा और रिएक्शंस। अरे भी GT 650 ओपनिंग सेरेमनी है भाई। बहुत लाउड हो रखी है यार R15 इनकी, बहुत ज्यादा लाउड हो रखी है। हार्ले भी निकालूंगा यार, थोड़ी बहुत गर्मी वर्मी थोड़ी कम हो जाए यार उस गाड़ी को चलाने में, हालत खराब हो जाती है। और देखो तो वो गाड़ी पूरी सी भी हो गई हार्ले की, हीट बहुत ज्यादा करती है भाई। इस टाइम देख रहे हो ना नेचुरली हीट कितनी है, उसे निकालना मतलब जाना फत में। इस टाइम तो मैं सोच रहा था मॉर्निंग में निकालने के लिए, मगर भाई मैंने सोचा लौटते में जो है काफी ज्यादा धूप हो जाएगी, इस चक्कर में हार्ले का प्लान एग्जीक्यूट कर दिया भाई। बस वो मौसम कितना बढ़िया हो रखा है भाई, चेक करो एक बार R15 का। भाई सबसे आगे जा सकते हैं ग्रुप में, अगर हम सकते हैं सबसे पीछे। आगे इन सब भाइयों को चलने दो, पीछे चलो अपने आराम से। भाई इतनी सुबह ही धूप निकली है, आज तो बहुत जल्दी आ गए, पिछली बार तो 7:45 पे आए थे, आज तो 6 बजे निकल गए।
भाई मुझे करानी है टायर में हवा चेक करानी है भाई। कोई बंदा अगर खुला मिल गया तो होगी, नहीं तो ऐसे चली रहे। कोई मिल जाओ खुला हुआ, ये भी बंद है, सब बंद है भाई। सुबह तो सब बंद है। एक देखो ये चल रही है R15 और एक आगे गई है R15। इसमें प्रोडक्ट वगैरह सब इंस्टॉल है और उसमें प्रोडक्ट वगैरह सब इंस्टॉल्ड है। बस फर्क इतना है उसके अंदर एक ग्रॉस लगा हुआ है, इसके अंदर एक ग्रॉस नहीं है। कहना है लोग R15 में टॉप एंड 125 मार रही है अभी। इतनी हमारी गाड़ी सेकंड गियर में जाती है, मतलब 125 से नहीं जाती है, 160-170 अप्रोक्स जाती है। मैंने आप लोग चेक करा रखा है, फर्स्ट गियर तो 101 या 102 पर था पावर टेस्ट, और वहीं GT का 650 सेगमेंट का रहा था 80। साथ में चल रहे हैं, कोई आगे पीछे नहीं है, इतना सब मोस्ट ऑफ साथ में ही है। अब तो यार सबको साथ में लेके चलना है, जब से आदम भाई का क्रैश हुआ है होने वाली बात थी वो भी भाई, वरना तो वैसे कभी छुट्टी नहीं है। अगर हाँ तो हमारी कमी चल रही है यार आदम भाई, आज उस दिन नहीं हुआ होता तो हम सब लोगों के साथ राइड मार रहे होते, ना कि घर पे होते। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा और टाइम लगेगा भाई, गाड़ी में भी काम होना शुरू हो गया है, बाकी एक बार आपको दिखाएंगे। भाई अपना फर्स्ट मीटिंग पॉइंट देखो, वो दो तीन लोग आगे जा रहे हैं, मैं और गौरव यहाँ रुके हुए हैं और बाकी और लोग यहाँ से जा चुके हैं। एक का इंतजार कर रहे हैं, वैलेंटिनो रूसी लवर DR46, पता नहीं कहाँ रह गया भाई, आ गया बंदा। भाई ये फ्रंट का अलग ही क्रेज है पूरे ग्रुप में, देखो जरा इसकी राइडिंग, बच्चा देखो ये देखो भाई VR46 वैलेंटिनो रूसी लवर। यहाँ से हमें रोड मिल जाएगा और ज्यादा बढ़िया, जो सीधा हमें लेकर के जाएगा UP22। ये पास R15
लोग तो निकल गए हैं, काफी ज्यादा आगे निकल रहे हैं भाई। आज हम लोग तो हवा में है, हवा में हम ही लोग हैं पीछे। कोई गलत नहीं, इतना तो साथ खुला रखना है यार। अच्छा सा व्यू चल रहा है ये लगता है भाई पेड़ों का। अभी आगे और आएगा ये ब्रिज क्रॉस करके, आगे जो व्यू आने वाला है ना पेड़ों ने, ऐसा लग रहा है भाई जैसे ना फॉरेस्ट बना रखी है फॉरेस्ट। वो व्यू बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। आएगा थोड़ी सी बीच में, किधर गया किधर गया किधर गया किधर गया, एक और का फुल्का आ रहा है। ऐसा लग रहा है यहाँ पेड़ों में काट दिए गए हो, काफी ज्यादा फॉरेस्ट टाइम फील करते हैं मुझे। ये आ रहा है यार हाईवे पे, इतना आगे आने पर पूरा सब चौक मिला है भाई। ये क्या हो गया ब्रो, ऐसा तो बंद नहीं होना चाहिए था। वेट कर लेता हूँ थोड़ा यार, साइड देख करके ना। मुझे तो लग रहा है लोग आगे निकल गए भाई। चलो पहुंच करके ही देखता हूँ, मेरे आगे देखता हूँ आगे तो नहीं है। बाहर जो झोले हैं उनका कोई टिकट नहीं है ना, फिर ही अपने ही आज जो आज बाहर चल के झूलना है झूलों पे। कहाँ जाना है मगर, दुनिया में आना तो भी पैसा खर्च करना, दुनिया तो जाना तो भी खर्च करना। मैं फ्री में भेज दो लो, हजम करने लायक नहीं रहता, हजम किसके हो जो भाई भी गए तुम्हारी तरह एंट्री करने। BR-46 हमें हेलमेट लेके क्यों टहल रहा है भाई, हेलमेट इसे लेगा बाथरूम में जाके ना बैठ के ही तो प्रेस हो गया। वीडियो देखो भाई, अभी मैंने खट्टी टोपी खाई है, कुछ पार्टी गई है बाहर और कुछ है अंदर, बहुत कुछ है अंदर। तो भाई ये देखो ये आ गए पराठे, चम्मच है भाई। कॉफी भी तो थी, कॉफी बटर ही बटर। इस चम्मच से खा के दिखाओ तो बाद में लस्सी पियेंगे, सिद्धि तो होने जा रही है इसमें। ऐसी भाई ये वापसी होती हुई अपनी, ये देखो वो खड़ा है अपना लाइनअप।
तो भाई यो चलिए अपनी वापसी, निकल गए यूपी 22 से। तो आपको एक बारी लाइनअप चेक करा दूं कैसा आ रहा ग्रुप। ये देखो व्हीली, ये देखो भाई पहले भाई एयर प्रेशर गाड़ी का बिल्कुल कम हो गया। ये देखो भाई पहले मुझे रुकना है ऐसे पॉइंट पे जहाँ मेरी गाड़ी में हवा पड़ जाए, मेरे पिछले वाले टायर में जो है हवा नहीं है यार। तो भाई ये देखो यहाँ आकर के रुके हैं हवा बढ़वाने के लिए। आगे 35 कर देना, पीछे 40। देख करके लगाना, डिस्क गर्म होंगे काफी। पीछे लूं कमी है, पीछे डाल करके चेक होगी। चालीस से ज्यादा मना हो बस, ठीक है। कितनी है? हैं? लो यहाँ पर बचड़ हो रखा है, यहाँ पर भी दिक्कत है भाई। और डालने की जगह और निकल गई। देखते हैं भाई आती है जाती है। कितनी थी? कितनी है वो? 20 थी। ठीक है, 40 है, ठीक है। आगे देख लो, आगे चेक कर लो सिर्फ। भैया गाड़ी हुई है रेडी, अब निकलेंगे यहाँ से। मगर अब आ चुका है, दो बंदे आ गए, बाकी बंदे भी थे, एक दो बंदे आ गए। तो भाई ये थे कुछ आज के राइड के मोमेंट्स अपने। तो आई होप आप मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे हो, और करते हो और करोगे, जैसे अपना सपोर्ट दिखाते हो वैसे दिखाते रहोगे। तो यही करते हैं ब्लॉग पॉइंट, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मिलते हैं आप लोग नेक्स्ट टाइम व्लॉग में।